ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ डाउट था कि किसी को? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में किसी को कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, समझ में आया सबको? सभी को समझ में आया था? क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, क्यों यूज करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर? बताओ। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए क्यों यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो कल हम लोग देखे थे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर हम लोग पास नहीं किए थे, ठीक है। सारे के मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अपने डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे, क्लियर। तो अब नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ए कंस्ट्रक्टर विच हैज़ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब हम लोग उसमें ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर पास करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हम लोग? ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर पास करने वाले हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वहाँ पे एक पैरामीटर हो सकता है, दो पैरामीटर हो सकता है, तीन हो सकता है, जितना भी हम लोग चाहें उतना पैरामीटर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, कल हम लोग ये बाइक वाला प्रोग्राम बनाए थे, याद है क्या? हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? आ रही है ना, ठीक है। चलो एक और मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं क्लास लेता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट पैरामीटराइज्ड, ठीक है। इस टाइप का एक मैं एक क्लास लेता हूँ, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं इंट रोल नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ इंट मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग मोबाइल नंबर मैं ले लिया, ठीक है। तीन हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं? तीन मेंबर वेरिएबल ले लिए, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ स्टूडेंट पैरामीटराइज डॉट जावा नाम से, ठीक है। अब मैं इसको इनिशलाइज करने के लिए क्या बनाऊँगा? कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे स्टूडेंट पैरामीटराइज और इस टाइप को ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं रोल नंबर के लिए दूंगा इंट आर कॉमा, ठीक है, स्ट्रिंग नेम के लिए एन दे देता हूँ, ठीक है, और मोबाइल नंबर के लिए स्ट्रिंग एम, ठीक है। तीन पैरामीटर यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर में आएगी वैल्यू वो डायरेक्ट इस रोल नंबर में असाइन कर देंगे। ओके, अब दिखेगा, दिखा? तो इतने देर से बताया क्यों नहीं? नहीं दिख रहा है करके? रेडियो टाइप से सुन रहे थे तुम लोग, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है स्टूडेंट पैरामीटराइज्ड, ठीक है। उसके अंदर तीन मेंबर वेरिएबल ले लिए, इनरोल नंबर, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग मोबाइल, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट पैरामीटराइज, ठीक है, ये सेम एज इट इज़ क्लास नेम जैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैंने तीन पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीन पैरामीटर किस किस के लिए, इंट आर जो है रोल नंबर हम लोग जिसमें स्टोर कराएंगे, ठीक है, नेम और एम जो है वो मोबाइल के लिए, ठीक है। आर में जो वैल्यू आएगी वो किस में असाइन करना है हम लोग को, रोल नंबर में असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रोल नंबर इक्वल टू आर, ठीक है। फिर उसके बाद नेम इक्वल टू एन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, मोबाइल इक्वल टू एम, ठीक है। आर एन और एम में जो भी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही थी किस में जाके स्टोर हो जाएगी, अब रोल नंबर में, नेम में और मोबाइल में, क्लियर है, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो ये हमारा एक क्लास बन गया, ठीक है। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। बना सकते हैं हम लोग ऐसा फंक्शन कि नहीं बना सकते, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट बताओ, कौन बताएगा, रश्मि बताओ, रश्मि है ऑनलाइन, ऐश्वर्या बताओ, हनी, मोनाली कहाँ प्रिंट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्या लिखूंगा यहाँ पे, कैसे बनाएंगे इसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, मोनाली लिख के भेजी है, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट का तो क्लास ही नहीं है यहाँ पे, क्लास का क्या नाम है, क्या नेम है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास का नेम क्या है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी, नहीं बताओगे तो आगे प्रोग्राम नहीं होगा आज, बताओ चलो, इतना सारा प्रोग्राम, हाँ स्टूडेंट पैरामीटराइज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अरे कहाँ रोल नंबर, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, रहने दो तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एस वन लिखा इक्वल टू न्यू स्टूडेंट पैरामीटराइज, इस टाइप से ये बना ऑब्जेक्ट, क्लियर, तुम लोग ना मार खाने का काम कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले
ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये प्लस रोल नंबर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने तीनों को प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देते हैं मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया एक पैरामीटर, सॉरी यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट पैरामीटराइज का S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, S1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, मैं इसको कॉल किया तो क्या आएगा आउटपुट में, जावा सी स्टूडेंट पैरामीटराइज डॉट, सॉरी हाँ ये ठीक है, डॉट जावा, ठीक है, एक एरर आ रहा है यहाँ पे, सेमी कॉलन छूट गया है, सेमी कॉलन लगा लेते हैं, सेव करते हैं, वापस से कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को एक एरर देखने मिल रहा है, क्या देखने मिल रहा है, एरर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरर है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट पैरामीटराइज इन क्लास स्टूडेंट पैरामीटराइज कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, ठीक है, रिक्वायर्ड इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग फाउंड नो आर्गूमेंट्स रीजन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स लिस्ट डिफर इन लेंथ, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अप्लाई नहीं होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है सबको पता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बनाए हैं यहाँ पे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, उससे क्या होगा कि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, तो उसको में यहाँ पे हम लोग को आर्गुमेंट्स भी सेंड करना पड़ेगा और इसको कॉल करना पड़ेगा पैरामीटराइज को, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट दे देते हैं 1001 कॉमा देके डबल कोट्स देके मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, नेम लिखते हैं गुलशन, ठीक है, और यहाँ कॉमा देके मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और इसको हम लोग वापस से कंपाइल करते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया अब, ठीक है, अब हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है, जिसमें मेन मेथड होता है उसी को हम लोग रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पहले बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना चुके हैं तो हम लोग क्या यहाँ पे बनाएंगे यूज़ करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और इसी के हेल्प से ही हम लोग इसको इनिशलाइज करेंगे, ठीक है, समझ में आया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आया कि नहीं आया, आया तो
ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी एक क्लास में, ठीक है, ये वाला हमारा एक स्टूडेंट पैरामीटराइज क्लास है, ठीक है, इस क्लास में अगर हम लोग एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो कंपाइलर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसमें नहीं डालता है, ठीक है, अगर हम लोग इसको नहीं बनाते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अभी कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कंपाइलर अपनी तरफ से इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अप्लाई करता है, ठीक है। अगर हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो अपने आप इस क्लास में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, और वहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होगा जो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसका, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हम लोग को वहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा उसके कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि वो किसको कॉल कर रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहा है। क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है, समझ में आया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? किसी कुछ डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? आ गया अच्छे समझ में? ठीक है, तो दो टाइप के पैरामीटर, सॉरी दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, समझ में आया? प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दिख रहा है ना कि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, बड़ा कर ले, हाँ अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए, ओके, ठीक है, समझ में आया ना कंस्ट्रक्टर कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग एक या एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग सी प्लस में पढ़े थे फंक्शन ओवरलोडिंग, पढ़े ना फंक्शन ओवरलोडिंग, क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? नहीं, एक क्लास के अंदर हम लोग सेम नेम के फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पैरामीटर अलग अलग होगा, ठीक है, मतलब अगर एक क्लास ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया था स्टूडेंट, स्टूडेंट फाइव नाम से लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या लिया, तीन में मेंबर वेरिएबल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट फाइव नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर दो हम लोग क्या ले लिए, वेरिएबल ले लिए, इंट आई और स्ट्रिंग एन, ठीक है, दो पैरामीटर है। सेम यहाँ पे एक और मैं कंस्ट्रक्टर लिया, उसमें तीन पैरामीटर मैंने लिया, ठीक है, तो यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, दोनों के दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें दो पैरामीटर है, इसमें तीन पैरामीटर है, आया समझ में? ठीक है, वैसे ही, ठीक है, तो सेम इसमें हम लोग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, क्या कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये मोबाइल हटा देता हूँ, ठीक है, सेम नेम को बना रहा हूँ और यहाँ से भी मोबाइल हटा देता हूँ, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें दो पैरामीटर मैं ले रहा हूँ, इंट आर और स्ट्रिंग एन, ठीक है, और r में जो वैल्यू आएगी वो रोल नंबर इनिशियलाइज कर रहा हूँ, n में जो वैल्यू आएगी वो नेम को इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है, ये सेकंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम लोग तीन आर्गुमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इंट r, इंट स्ट्रिंग n, स्ट्रिंग m, ठीक है,
आर इक्वल टू रोल नंबर, एन इक्वल टू नेम, एम इक्वल टू मोबाइल नंबर, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक और क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब बताओ ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट बताओ। जिसका नाम लूँगा वो बोलेगा, ठीक है, मोनाली बताओ। रश्मि है ऑनलाइन, छोड़ो तुम लोग बोलोगे, सच मैं ही बोल देता हूँ, ठीक है, जैसा ऊपर बनाया है वैसे ही बनाएंगे। अरे चैट में मत बताओ, मुंह से बताओ अनम्यूट करके, चैट बार पर नहीं खोलूँगा मैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, स्टूडेंट पैरामीटराइज्ड एस टू इक्वल टू न्यू, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर डालता हूँ, 1002 कॉमा दे के यहाँ पर लिखता हूँ मैं, किसी का नाम मोनाली का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। दो पैरामीटर दिया, अब ये पैरामीटर, ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो किसको कॉल करेगा, ये दो पैरामीटर वाले को, ठीक है। और यहाँ पे वापस से मैं एस टू डॉट डिस्प्ले कॉल करता हूँ, अभी देखना क्या आएगा, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम लोग कमांड में और इसको वापस से कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया और इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है, ठीक है, 1001 गुलशन, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर दिख रहा है, फिर रोल नंबर 1002 जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो दो आर्गुमेंट वाला लिए थे वो है, ठीक है, नेम मोनाली आ रहा है और मोबाइल नंबर नहीं डाले थे हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नल आ जा रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले के लिए पैरामीटर डाले ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बना है, एस टू नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बना है, तो उसका ये तीनों जो मेंबर वेरिएबल होंगे उसके इंस्टेंस इसके अंदर भी बनेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा, देन उसके बाद इसको कॉल करके वो क्या करेगा, वैल्यू असाइन करेगा, और थर्ड वैल्यू तो हम लोग डाले नहीं है, तो थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट नल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, कुछ डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है, समझ में आया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम लोग एक सिंगल क्लास के अंदर दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिए, लेकिन उसका आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे जो पैरामीटर या आर्गुमेंट्स हम लोग लिए हैं, यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, यहाँ पे तीन आर्गुमेंट है, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर ले लो जिसमें चार आर्गुमेंट है, और एक कंस्ट्रक्टर बना लो जिसमें पाँच आर्गुमेंट है, तो हम लोग कितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं विथ डिफरेंट आर्गुमेंट्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, क्लियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, जूम करके देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, है ना, नोट्स में, ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है, एग्जांपल में कॉपी मार देता हूँ इसको मैं,
अरे आज डाल दूंगा, आज 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 पक्का डालता हूँ मैं, ठीक है? आज 100% नोट्स मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है? अरे मैं लैपटॉप क्या कॉलेज में छोड़ देता हूँ ना, लेके नहीं जाता हूँ घर पे, तो क्या है उसके कारण ये तो डिले हो जाता है, कॉलेज में जा मतलब रह जाता है ना यहीं पे, ठीक है? तो आज मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसी कुछ डाउट है क्या आज की क्लास में? पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर समझ में आया? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ में आया? ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। कुछ डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है? ओके ठीक है, ठीक है, आउटपुट भी डाल दिया। ओके ठीक है, चलो आज का फिर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू क्लास।